मुझे ये बताने में बहुत हर्ष है। पूर्व की बात, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कुशल व्यवहार से, कुशल नेतृत्व से, उनकी पार्टी की विचारधारा से प्रसन्न होकर आज बहुत बड़े बड़े नेतागण विभिन्न पार्टियों के आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी इजाजत से मैं उनके नाम आपके सम्मुख प्रमुख नेताओं के पढ़ रहा हूं। सूची बहुत बड़ी है, बहुत से हजारों लोग बाहर भी हैं, उनके नाम मैं आपके सामने बाद में प्रस्तुत करूंगा। मैं जो मेरे सामने प्रमुख नेतागण हैं उनके नाम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वश्री गणेश शंकर पांडे, पूर्व सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश। श्री गणेश शंकर पांडे, पूर्व सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश विधान परिषद। श्री भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी, श्री भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी पूर्व सांसद बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री विनय शंकर तिवारी विधायक, श्री विनय शंकर तिवारी विधायक चिल्लूपार गोरखपुर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री जय चौबे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं श्री जय चौबे जी। श्री संतोष पांडे ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मीपुर गोरखपुर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री संजय दीक्षित, श्री संजय दीक्षित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा हमीरपुर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री समीर त्रिवेदी पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी जिला फतेहपुर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री शिव कुमार निषाद पूर्व जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी इटावा। श्री योगेंद्र शर्मा अध्यक्ष पुनर्वा गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री जलालुद्दीन सिद्दीकी AICC कांग्रेस पार्टी के हैं, जलालुद्दीन सिद्दीकी जी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री बिमल दुबे प्रयागराज से हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री राज बहादुर सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूर्व जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर के हैं, समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। श्री बसंत पासवान सदस्य जिला पंचायत पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोरखपुर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री सत्य प्रकाश यादव पूर्व सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री अजय दुबे बस्ती जिले के हैं, BJP छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री संतोष पांडे कर्नेलगंज गोंडा, संतोष तिवारी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री शत्रुघ्न कनौजिया जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी महाराजगंज, श्री राजेश गौतम पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी महाराजगंज, श्री मेहंदी हसन पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बहुजन समाज पार्टी छोड़कर महाराजगंज के हैं। श्री संतोष पांडे प्रमुख प्रतिनिधि लक्ष्मीपुर, श्री रणजीत बहादुर सिंह पूर्व प्रमुख मिठौरा, ये पायल किन्नर जी हैं, इनको आज ही समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। श्री इनको बधाई है क्यों आए और प्रेस मीडिया के सामने अपनी बात रखे। श्री विनय शंकर तिवारी विधायक जी, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज एक बहुत बड़ा तबका जो कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आया है, उसने समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की है।
उस अवसर पे आज मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जो गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, मीडिया के साथियों, बंधुओं, मित्रों, जब 2017 में सरकार बनी, बड़े उत्साह से सरकार बनी थी, लेकिन जब सरकार बनना ऐसा महसूस हो रहा है आज कि इस सरकार ने लोकतंत्र के लिए नहीं, राजतंत्र के लिए सरकार बनाई थी और बोलने पे पाबंदी लगा दी। सरकार ने कोई भी अगर कुछ बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है, तो उसको जेल भेज देने का काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ सरकार ने एक नया नायाब एक नया तरीका अपना लिया कि शिलान्यास किसी ने किया, कार्य किसी ने किया, पत्थर वर्तमान सरकार ने लगा दिया। कार्य को कोई भी कर रहा है उस पे पत्थर वर्तमान सरकार का लग जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूरे प्रदेश में, मतलब जो वैमनस्यता का बीज बोने का काम किया, साथ ही साथ अगर आप देखें तो सरकार ने जो 5 साल का कार्यकाल है सरकार का, केवल बिखराव के अलावा, समाज में टूटन के अलावा और कोई कार्य करने का काम नहीं किया। और सबसे बड़ा कार्य यदि किया उन्होंने तो लोगों को बांटने का और प्रचार प्रसार करने का। सबसे ज्यादा बजट अगर किसी का है इनका तो प्रचार करने के लिए है। रोज कहीं ना कहीं अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन हैं, होर्डिंग्स हैं, लेकिन धरातल पे वो कोई चीज आज की तारीख में मौजूद नहीं है। कहीं पे भी धरातल में कोई चीज मौजूद नहीं है। और हम अपने जिले की बात करते हैं, एक उदाहरण हम देते हैं कि हमारा जिला गोरखपुर, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आते हैं, अगर बाढ़ प्रभावित इलाका है, एक बाढ़ का उदाहरण देते हैं, बाढ़ में इस साल 3 गांव कट के खत्म हो गए, लेकिन वहां पे कोई बजट नहीं दिया गया। कोई भी बजट ऐसा नहीं दिया गया जो बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया गया हो। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं की हाल, केवल बिल्डिंग का उद्घाटन, गोरखपुर में एम्स के लिए जमीन आदरणीय अध्यक्ष जी ने दी थी, गोरखपुर में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आदरणीय अध्यक्ष जी ने बनाया था, लेकिन आज उसमें कोई भी कार्य, कोई भी बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया गया। साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट होता है, जब अपॉइंटमेंट होता है तो एक जात विशेष के 75 लोग, 150 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें एक जात विशेष के 75 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। जितने थाने, जितने चौकी, जो जिले प्रशासन है, सब पे एक जात विशेष के लोगों को बैठाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और तो और, खासकर हम जिस समाज से खाते हैं, ब्राह्मण समाज से जहां से हम आते हैं, उस ब्राह्मण समाज में जितना अत्याचार और अन्याय हुआ है शायद ही कभी किसी ने किया हो। और सरकार ने जो कभी दुर्घटना के कारण जो इनकाउंटर होता है, दुर्घटना की होती है, इनकाउंटर किसी सरकार की पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनकाउंटर की पॉलिसी बना दी कि साहब हम इनकाउंटर इनका कर देंगे, घोषित इनकाउंटर कर दिया। तो इसका मतलब सरकार ने कहा न्यायपालिका से पूरा विश्वास उठ गया है, सरकार का न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि कायदे से किसी को भी हम किसी दुर्घटना में इनकाउंटर हो जाए, ये बात तो सुनी है, ये समझी है कि भाई इनकाउंटर ऐसे हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन सरकार ने पॉलिसी बना के कि साहब फला व्यक्ति का मुझे इनकाउंटर करना है, पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि पहली बार घोषित करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो बस सरकार अपराध करने का काम कर रही है। किसी को न्यायपालिका को अपने हाथ में लेने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन सरकार ने न्यायपालिका के भी कार्य को अपने हाथों में लेने का काम किया है आज की तारीख में, और लोगों को घोषित इनकाउंटर कर दिया है। इसी तरह जब डेंगू की बात आई थी तो डेंगू की वजह से तो मर रहे थे लोग, गोरख बीआरडी में जो जापान जेईटी हो, जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोग मर रहे थे, तो वहां के प्रिंसिपल है राजीव मिश्रा, गलती किसी और की थी, राजीव मिश्रा को वहां पे ले जाकर सजा दे दी गई, उनकी पत्नी को 2 साल जेल में रखा गया, उनको जेल में रखा गया, उनका क्या अपराध है शायद ही कहीं किसी को मालूम हो। कफील जिसने सेवा करने का काम किया था उसको जेल में रखने का काम किया। अभी आप देखिए विवेक तिवारी की यहां हत्या कर दी गई, ऊंचाहार में हत्या हो गई, 5-5, 6-6 हत्याएं ऊंचाहार में हो गई। इसी तरह अभी गोरखपुर में 24 नवंबर को दिन दहाड़े जो कि कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, सीएम सिटी है, वहां पे एक अंकुर शुक्ला नाम के नौजवान की ईंटे से कूंच कर हत्या की गई है, और उस पर भी सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। और अभी तक की जो भी सरकारें हैं वो यदि कोई कार्य करती हैं तो वो ये कार्य करती हैं कि
जो पीड़ित होता है उसके पास जाती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में जो उनके सहयोगी दल हैं, अपराधी के घर पूछताछ करने गए कि उनकी कुशल क्षेम लेने अपराधी के घर गए, जो पीड़ित पक्ष था उसके घर कुशल क्षेम पूछने तक नहीं गए। तो आज पूरी सरकार, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, महंगाई की बात हो, महंगाई में चारों तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कोरोना, कोरोना के दर्द को अभी लोग भूले नहीं है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो कोरोना में अपने किसी एक न एक प्रियजन को कहीं न कहीं निश्चित रूप से खो दिया है। उस अव्यवस्था के दौर में सरकार शांत हो गई थी, कहीं बोलने का काम नहीं कर रही थी। सरकार ने जो कोरोना पीड़ित थे उनके लिए कोई काम करने का काम नहीं किया। हमारे तरफ एक धुरियापार चीनी मिल है, उसको उन्होंने वादा किया था चलाने के लिए, लेकिन आज तक उस पर एक ईंटा नहीं रखा गया है। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहां पे अभी फैकल्टी नहीं है, एम्स खोलने की बात हो रही है लेकिन फैकल्टी नादारद है, तो क्या केवल बिल्डिंग से हमारा काम चलेगा? तो पूरी प्रदेश सरकार आज की तारीख में केवल वादों पे चल रही है। अगर वहीं दूसरी तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार को देखिए, 12 से 17 की सरकार को देखिए, तो एक नया विजन दिखाई देता है, एक नया दृश्य दिखाई देती है। आपका एक विजन था कि लखनऊ में मेट्रो को चलाने का काम किया, आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किया, आज तक उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। तो जितनी विकास की परियोजनाएं थी, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी, और इनके विजन और इनके सोच का ये परिणाम था कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज अचानक आकर उस पर रोक लगा दिया गया है। और अब ये महसूस हो रहा है कि जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की कमान पुनः नहीं संभालेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश का विकास अब संभव नहीं है। हम सब लोग, जो भी हम लोगों की ताकत है, सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर पूरे प्रदेश में हर जगह जहां जहां आपका निर्देश होगा जाने का काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बने इसका संकल्प लेंगे, और 22 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम पुनः आपके आभारी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आभारी हैं, समाजवादी पार्टी के आभारी हैं, और मेरा पूरा परिवार सहित हम सब लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और इस बात से कम आगे उत्तर प्रदेश का विकास हो, विनाश न हो, ठोको और एनकाउंटर और बुलडोजर की नीति समाप्त हो, भाईचारे की नीति हो, विकास की बात की जाए, लोगों को रोजगार की बात की जाए। मैं सबसे पहले प्रेस के अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी, गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथी में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही साथ बड़ी संख्या में और साथी लोग हैं, संतोष पांडे जी, संजय दीक्षित जी, समीर त्रिवेदी जी, शिवकुमार निषाद जी, योगेंद्र शर्मा जी, जलालुद्दीन सिद्दीकी साहब जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आए, मैं उनका स्वागत करता हूं, विमल दुबे जी, नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि जितने लोग यहां बैठे हैं मंच पे हमारे साथ सामने, इससे भी ज्यादा लोग हमें आज अपने पार्टी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं।
पूरा पार्टी कार्ड भरा हुआ है, कहीं जगह खाली नहीं है। सड़क पे भी लोग हैं जो आ नहीं सकते थे अंदर। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर ना देख ले पार्टी काले की तरफ। और साथ ही साथ हमें खुशी है इस बात की कि किन्नर समाज के जो पहले भी पार्टी से संबंध रहा, हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया, लेकिन उस समय प्रशासन ने इनकी बड़े पैमाने पे बेईमानी की। जनता इनको सम्मान देना चाहती थी, जनता सम्मान से इनको बैठाना चाहती थी, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों ने मनमानी की, धोखा दिया, जिसकी वजह से ये उस सम्मान के पद पर नहीं बैठ पाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपको प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया गया है, प्रकोष्ठ भी का भी गठन होगा, और हमें उम्मीद है कि आप अपने समाज के लोगों को जोड़ करके उनकी समस्याओं को समझते हुए उनका क्या समाधान होगा वो समय समय पर सुझाव देंगे, जिससे कि हम आपके समाज में भी अच्छा काम करके दिखाएं। जहां से पार्टी की विजय होनी शुरू होनी है, मुख्यमंत्री जी इसलिए बनाए गए थे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। लेकिन जिस तरीके से 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, भेदभाव से काम हुआ है, जात को धर्म को देख करके काम हुआ है, और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है, लेकिन जनता समझ गई है आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए। और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाए, स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पर काम ना कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा? जो जनता के बीच में संकल्प रखा था कि जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र खोल करके नहीं देखा। जब हम लोग बचपन में थे तो केमिकल और टेबल हुआ करती थी, एलिमेंट टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रटते थे हम लोग, इसलिए रटते थे कि परीक्षा में पास हो जाएं। अब जनता को परीक्षा लेनी है सरकार की, बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी परीक्षा में पास होंगे? इस बार जनता ने मन बनाया इनको फेल करने के लिए, और इसलिए फेल करने के लिए कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठी चार्ज का है, भर्ती स्टे का है, आज महंगाई महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं,
दुखी युवा है। किसान के लिए कीले गाड़ी गई, लखीमपुर कौन भूल जाएगा कि जीप चढ़ाई गई, जुल्मी जीप जिसने जान ले ली, अनाथ पशु आज भी घूम रहे हैं, पराली मुकदमे वापिस हुए लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की पराली का इंतजाम का कोई ठोस फैसला नहीं लिया, आज मजदूर गरीबी से मर रहा है, नदियां जो साफ होनी थी आज भी नदियां गंदी हैं, भटकते गोवंश, गड्ढा सड़कें, पानी का प्यास अभी भी सरकार नहीं बुझा पाई है, और सरकार की समय पर बत्ती गुल है अभी। कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई, वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें, उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी कौन भूल जाएगा। और जब लाशें जल नहीं थी शमशान घाट में तो यही सरकार थी, अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन लगा रही थी, दोगुनी महंगाई आधी कमाई, महंगी थाली, महंगी बिजली, पेट्रोल डीजल खाद तेल, बेकारी, ठप व्यापार, नोटबंदी, इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लगाया, दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगाए, और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। और वो बातें भूल जाइए, बोलो बुलडोजर वाली, न ये बुल संभाल पा रहे हैं न बुलडोजर संभाल पाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी का, कौशल तिवारी जी का, विनय शंकर तिवारी जी का और इनके जितने भी सहयोगी साथी आए, इनके परिवार के सदस्यों का, आए हुए सभी समर्थकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके आने से उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है, लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। अच्छा चौबे जी, जय चौबे जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जिन साथियों का नाम छूट गया हो, क्योंकि अध्यक्ष जी नाम ले चुके हैं, मैं सबका इस मंच से स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। जो साथी कमरे में नहीं आ पाए, हॉल में नहीं आ पा रहे, जो बाहर देख रहे होंगे कार्यक्रम, उनका भी मैं स्वागत भी करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी में आकर के आपने समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम किया। निषाद सेना के अध्यक्ष आनंद निषाद जी का भी बहुत स्वागत, बुंदेलखंड सेना के हमारे नुमानी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई, श्रीमती रुक्मणी जी के साथ, और जो संजय क्या नाम उनका, निषाद जो आपके साथ आए, तो जितने भी साथी इनके साथ आए हैं निषाद समाज के जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।